आज एक नई जिंदगी में हम मशहूर टीवी इवेंजलिस्ट और प्रार्थना योद्धा पॉल दिनाकरन से आपकी मुलाकात कराएंगे। देखेंगे किस तरह सीबीएन फाउंडेशन की सहायता से एक लड़के के धुंधलाते हुए जीवन को मिली नई रोशनी। जानेंगे किस तरह प्रार्थना के सामर्थ्य से बदला है कई लोगों का जीवन। करेंगे आपके लिए प्रार्थना और सुनेंगे एक मधुर गीत। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय जयते। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज न्यू ईयर के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के सामर्थ्य की। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक बहुत ही खास और प्रेरणादायक पर्सनालिटी से। इन्होंने अपना जीवन प्रार्थना को समर्पित कर दिया है। जब इनका जन्म हुआ तो कई प्रार्थनाओं के बाद हुआ, और युवावस्था में जब ये परमेश्वर से दूर हो गए तो कई प्रार्थनाओं के बाद इनका रूपांतर हुआ और ये परमेश्वर के और करीब आ गए। आज इन्होंने अपना जीवन प्रार्थना को दे दिया है और इनकी प्रार्थनाओं से कई लोगों का जीवन बदल रहा है और बदला है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर पॉल दिनाकरन से। ये प्रस्तुति आपके लिए लेकर आई हैं हमारी प्रोड्यूसर रॉली ग्रेस नई दिल्ली से। एक व्यक्ति के आंसू, एक व्यक्ति का रोना मुझे विचलित करता था, और यही मुझे उनकी तरफ से जो अपनी सारी आशा को खो चुके हैं उनके लिए परमेश्वर के सामने आंसू बहाने के लिए मुझको बहुत विवश करता था। मेरा जन्म प्रार्थना में हुआ। मेरे पहले दो बच्चों की मृत्यु मेरी माँ के गर्भ में हो गई थी। एक मिसकैरेज था और दूसरा मृत ही पैदा हुआ था, और बहुत अद्भुत तरीके से 3 सालों के बाद मेरी माँ फिर से गर्भवती हुई और मैं बहुत ही प्रार्थनाओं के बाद पैदा हुआ था। तो मेरी माँ ने कहा कि मेरा बेटा हर बातों में निपुण होना चाहिए, उसे परमेश्वर का बेटा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने मुझे कड़े अनुशासन में पाला, और इसी अनुशासन के दबाव में 18 साल के आयु में मैं इन सब से काफी नफरत करने लगा और परमेश्वर से दूर चला गया। मेरी माँ उपवास करके प्रार्थना करने लगी। पूरे दिन वो परमेश्वर से मेरे बदलाव के लिए प्रार्थना करती, और शाम को मैं उनकी तरफ देखकर कहता कि आपके आंसू मुझे नहीं बदल सकते, मैं नहीं बदलूंगा। लेकिन बहुत जल्दी ये उनकी प्रार्थनाओं और आंसुओं का असर होने लगा। एक छोटी मीटिंग में जहां मेरे पिताजी प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा, तुम अपने दोस्तों को खुश करने के लिए कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम परमेश्वर से दूर चले गए हो। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम शून्य हो रहे हो। परमेश्वर के पास वापस आओ। अगर आप कुछ भी नहीं हो तो वो आपको एक प्रतिष्ठा देगा। उस समय मदद मांगो, वो तुम्हारी मदद करेगा। उस समय तक मैं अपने विषयों में फेल हो चुका था। मुझे भयंकर सर दर्द रहता, मुझे भयंकर डिप्रेशन रहता, अकेलापन और बहुत कुछ। मैं उस रात बहुत रोया और मैंने कहा, प्रभु मुझे अपने पापों के लिए क्षमा कीजिए, मैं जानबूझकर आपसे दूर हो गया था। और बाइबल कहती है, अगर तुम अपने पापों का अंगीकार करो तो परमेश्वर उसे माफ करने में और आपको बदलने में विश्वास योग्य है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उस रात वाकई में मुझे शुद्ध किए जाने का एहसास हुआ। जब मैंने एक बच्चे की तरह रोकर अपने पापों का अंगीकार किया, तब मैंने महसूस किया कि मेरे सारे पाप धुल गए हैं। 2 घंटों तक एक छोटे से बच्चे की तरह रोने और मन परिवर्तन के बाद मैं एक नए मनुष्य, एक नए जवान व्यक्ति की तरह खड़ा हुआ। All your sorrow will turn into joy. तो परमेश्वर से मेरी एक दिव्य मुलाकात हुई। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि अब वो समय है जब प्रार्थना करने के अनुग्रह से भरे कई हजार लोग खड़े हों। इसलिए उन्हें प्रकाशित करो कि उनके अंदर भी वो दया से भरा हृदय आए, कि वो दूसरों के लिए प्रार्थना करें। पिछले 10 सालों में 15 प्रेयर टावर से बढ़कर 110 प्रेयर टावर्स हो गए हैं।
जहां दूसरों के लिए प्रार्थना की जाती है। लोगों की जरूरतें बहुत है, इनके लिए प्रार्थना में मध्यस्थ करने वाले हजारों हमसे जुड़े। आज परमेश्वर के अनुग्रह से हम बहुत अधिक लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। मैंने हर सुबह वचन के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहा है। 37 सालों से यही मेरा अनुभव है। आज भी ये मुझे कुछ उदाहरणों, कुछ वचनों के माध्यम से मेरी गलतियों और मेरी कमियों और मेरी निर्बलताओं को दिखाता है। यदि मुझे अपने परिवार में किसी को माफ करना है, अगर मेरी बातों से मेरी बेटी, बेटे, माँ और पत्नी का दिल दुखा है, तो मैं उनसे माफी मांग लेता हूँ और फिर से मेल मिलाप कर लेता हूँ। और ये मुझे परमेश्वर की आशीषों के लिए प्रार्थना करने के लिए खुले हृदय को देता है। और जब मैं प्रार्थना करता हूँ, तो परमेश्वर मुझे उस दिन के लिए उनकी योजनाओं को दिखाता है। आप एक दिन में अपने जीवन की पूर्ण योजना को नहीं जान सकते। वो आपको कदम दर कदम चलाता है। हाँ, वो मेरा एकमात्र दोस्त है। लेकिन आज परमेश्वर के अनुग्रह से लाखों लोग मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए मैं जीवन में इतना सुरक्षित महसूस करता हूँ। नम्र बने रहना हमेशा अच्छा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, पॉल दिनाकरन बस एक व्यक्ति है। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए धन्यवाद, जो बहुतायत के साथ मेरे साथ बनी हुई है, कि मैं किसी और की परवाह करूं। इसलिए मैं उस हर व्यक्ति के लिए हर पल अपनी पूरी कोशिश करता हूं, जो मेरे सामने आता है, ताकि परमेश्वर मेरे साथ हमेशा हर वक्त रहे। हम आशा करते हैं कि डॉक्टर पॉल दिनाकरन से ये मुलाकात करके आपको बहुत प्रेरणा मिली होगी। समी जी, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है, बहुत शक्ति है, और कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना के इस सामर्थ्य को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। बिल्कुल, जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम अपनी शक्ति में कुछ नहीं कर रहे, हम जानते हैं कि परमेश्वर कुछ कर रहा है। तो प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर को हम भरोसा, परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं कि वो कुछ हमारी जिंदगी में करे। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर सामर्थ्यशाली है, इसलिए हम आपको इंकरेज करते हैं कि आप प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि परमेश्वर आपकी सब प्रार्थनाओं का जवाब दे सकते हैं। परमेश्वर कार्य कर रहा है, गॉड इज एट वर्क इन योर लाइव्स। दोस्तों, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा ये भरोसा है कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। एक साल पूरा हो गया, शायद आप निराश हो गए, शायद आप डिसअपॉइंट हो गए कि जितना मैंने चाहा था इस साल में वैसा हुआ नहीं। और जब हम अगले साल में हम प्रवेश करते हैं, तो कभी कभी हम विश्वास के साथ आगे नहीं बढ़ते। आज मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, और नए साल में जब हम आगे बढ़ें, हम ये भरोसा करें कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर का राज्य राई के दाने के बराबर है। बहुत छोटा है, लेकिन बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, और कई पक्षी आकर वहां पर विश्राम पाते हैं। शुरुआत बहुत छोटी है, पता नहीं चलता कि कब ये पेड़ बड़ा हो गया, लेकिन कार्य हो रहा है। उसी समान यीशु मसीह ने कहा कि जब हम बहुत सारा आटा लेते हैं और उसमें जब हम थोड़ा सा खमीर डालते हैं, वो खमीर सारे आटे पे असर लेकर आता है, फैल जाता है। और परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है। मैं चाहता हूं कि आप भरोसा करें कि जैसे आप नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, छोटा ही कदम लें, लेकिन जाने कि आपके छोटे कदम के द्वारा परमेश्वर एक बड़ा कार्य कर रहा है। पौलुस ने भी यही कहा। पौलुस कहता है, मैं बोता हूं, पौलुस पानी डालता है, लेकिन परमेश्वर बढ़ोतरी देता है। ओनली गॉड कैन ब्रिंग द ग्रोथ। आइए इस वचन को हम देखें। पहला कुरिन्थियों 3:7, इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है, जो बढ़ाने वाला है। सो लेट्स एंटर द न्यू ईयर विथ फेथ। विश्वास के साथ आप नए साल में प्रवेश करें, प्रार्थना करें, भरोसा करें कि हर एक क्षेत्र में परमेश्वर कार्य कर रहा है। भले आप देख सकें या ना देख सकें, परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है, और आगे चलकर वो फल जरूर आप देखेंगे।
जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर पर अपना भरोसा दिखाते हैं। अगर आपने भी अपने जीवन में प्रार्थना के सामर्थ्य को महसूस किया है तो आप अपनी गवाही हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे दर्शक आपकी गवाही को देखकर और भी इंकरेज हों। और अगर आज आप किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और चाहते हैं कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे, तो आप इसी समय हमें फ़ोन करें, हमसे संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अब समय है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह CBN फाउंडेशन ने एक छोटे से लड़की की मदद की और उसके जीवन को और बेहतर बनाया। क्या आपने हमारे CBN फाउंडेशन का फेसबुक पेज देखा है? वहां पर आपको मिलेगा CBN फाउंडेशन के कार्यों को नजदीकी से जानने का मौका, बहुत सी प्रोत्साहित करने वाली कहानियां, मधुर गीत और कई प्रेरणादायक बातें। CBN फाउंडेशन पेज को आज ही जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। ब्रेक के बाद एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। CBN फाउंडेशन देश भर में असहाय और जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है, ताकि उनका जीवन और बेहतर हो सके। इन्हीं में से एक है एक छोटा सा बच्चा रेहान। रेहान पहली कक्षा में पढ़ता है। एक छोटे से एक्सीडेंट में उसकी आंख खराब हो गई। उसे सर्जरी की बहुत सख्त ज़रूरत थी, पर उसके माँ बाप गरीब होने के कारण इस सर्जरी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। आइए देखते हैं किस तरह CBN फाउंडेशन ने रेहान की मदद की और उसके जीवन को और बेहतर बनाया। तो आइए मिलते हैं रेहान से और उसकी इस कहानी को जानते हैं। मेरा नाम रेहान है और मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। मैं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं अच्छी तरह पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करना चाहता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुझे दाई आँख से नजर नहीं आ रहा। कुछ महीने पहले स्कूल में खेलते खेलते बच्चे आपस में लड़ पड़े और किसी ने इसकी आँख पर कुछ मार दिया और ये रोते रोते घर आया तो मैंने देखा कि इसकी आंख बहुत लाल हो गई थी। मैंने तभी दवा लाकर उसकी आंख में डाली तो उसकी आंख की लालगी दूर हो गई। लेकिन रेहान की आंख अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। स्कूल में आंख की जांच करने पर पता चला कि रेहान को स्कूल में चोट लगने के कारण मोतियाबिंद हो गया है। एक बार जब हमें पता चल गया कि उसे मोतियाबिंद है तो मैंने कहा कि इसे सर्जरी की जरूरत है। यदि समय पर सर्जरी नहीं की गई तो उस आंख से दिखना बंद हो जाएगा, और यदि आगे चलकर ज्यादा उम्र में इसकी सर्जरी करेंगे तो हम मोतियाबिंद तो हटा देंगे और आंख भी देखने में सही लगेगी, लेकिन ये देख नहीं सकेगा। रेहान के माता पिता शबाना और अंसर मियां इतने बेबस थे कि वे अपने बेटे की सर्जरी तक नहीं करवा सकते थे। मैं खेतों में दिहाड़ी का काम करता हूँ। मुझे 150 रुपये दिहाड़ी मिलती है। दिहाड़ी मिलती है तो घर में खाना बनता है। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। पैसा नहीं है तो इसलिए गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है यदि ऑपरेशन ना किया गया तो आँख से दिखना बंद हो जाएगा। हमें बहुत टेंशन है क्योंकि हमारे पास पैसों का इंतजाम नहीं है, और डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन पर 20-25 हज़ार रुपये लग जाएंगे। CBN फाउंडेशन को जब एक सहयोगी अस्पताल के जरिए रेहान की इस हालत के बारे में पता चला तो वे उसकी मदद करने के लिए आगे आए। मैं बहुत खुश हूं और उन लोगों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने आगे आकर रेहान का ऑपरेशन करवाने में मदद की है, जो कि हम खुद नहीं करवा सकते थे। सर्जरी के बाद रेहान को साफ दिखाई देता है और अब वो अपने काम को खुद कर लेता है। शबाना के मन में अपने बेटे को लेकर जो भी डर था वो दूर हो गया। मैं दिल से उन लोगों को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारी मदद की है। अब मेरा बेटा देख सकता है और बाकी बच्चों की तरह सब कुछ खुद कर लेता है। मैं बहुत खुश हूँ। ऑपरेशन से पहले मुझे धुंधला दिखता था, अब मुझे सब साफ नजर आता है। मैं पढ़ाई में अच्छा करना चाहता हूँ। बड़ा होकर पुलिस वाला बनना चाहता हूँ। जिन्होंने मेरी सर्जरी करवाई उनका धन्यवाद। अभी आपने रेहान की कहानी से देखा कि किस तरह वो बड़े आराम से अब देख पा रहा है। समीर जी, हमने रेहान की स्टोरी में देखा कि अगर सही समय पर उसे हेल्प नहीं मिलती तो वो अंधा हो जाता और हमेशा के लिए हैंडीकैप भी हो जाता। बिल्कुल, और रेहान के समान कितने और ऐसे बच्चे हैं, लोग हैं जो बहुत मुश्किल परिस्थिति में हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत है। इसलिए बड़ा अच्छा लगता है कि CBN फाउंडेशन एक कदम उठा रहा है। उसी समान हम चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि कई लोग कदम उठाएँ, ताकि और ज़रूरतमंदों की सेवा हम सब मिलकर कर सकें।
हमारे इन्हीं कामों को देखकर आप हमें अप्रिशिएट करते हैं और आज भी आपके कई इंकरेजमेंट भरे मैसेजेस हमारे पास आए हैं। अब समय है कि हम इनमें से कुछ मैसेजेस पढ़ें। आइए देखते हैं आज का पहला मैसेज हमें किसने भेजा है। ये मैसेज हमें भेज रही है सोनम। सोनम कहती है, मुझे आपके प्रोग्राम में दिखाए जा रहे गीत बहुत अच्छे लगते हैं और जिस तरह से आप लोगों की मदद करते हैं, बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम उस मैसेज के लिए। आइए देखते हैं दूसरा मैसेज कहाँ से आया है। ये मैसेज आया है अजीत का और अजीत लिखते हैं कि जिस तरह हम ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं वो देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है और उन्हें भी प्रेरणा मिलती है। अजीत, हमें बड़ी खुशी है कि आपको इस कार्यक्रम के द्वारा प्रेरणा मिल रही है और साथ ही साथ हम आपसे ये कहना चाहते हैं हर एक दर्शक से कि आप हमारे कार्यक्रम को लगातार देखते आए हैं, आप हमें इनकरेज कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी मिलती है। जैसे कि हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, हमारी आशा ये है कि आप कदम उठाएंगे और ज़रूरतमंदों की सेवा करने में आगे बढ़ेंगे। हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप आज ही हमारे साथ जुड़ें, हमारे पार्टनर बने और हमारे इन भलाई के कामों में हमारे सहभागी हों। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। CBN फाउंडेशन, पीच ट्री कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, ब्लॉक सी, सुशांत लोक 1, गुरुग्राम, दिल्ली NCR, 122009। ऑनलाइन डोनेशन www.cbn.in। अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपके प्रार्थना निवेदन को हम पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। कुछ बेहतरीन कहानियां, कुछ नई सीख एक नए अंदाज के साथ। सुपर बुक सीजन 2 देखना न भूलें और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.cbn.in/superbook। प्रार्थना को मौका दो। ब्रेक के बाद एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अब समय है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो आइए पढ़ते हैं आपके द्वारा भेजे गए कुछ प्रार्थना निवेदन। आज का पहला प्रार्थना निवेदन हमें भेजा है सुमित ने। सुमित कहते हैं कि उनके कई साल अच्छे नहीं बीते हैं, उनके जीवन में कई प्रॉब्लम्स हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उन्हें इन तकलीफों से छुटकारा मिल सके। हम सुमित के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा मैसेज कहाँ से आया है। ये मैसेज आया है गगन का और गगन लिखते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, उन्होंने कुछ बिजनेस ट्राई किया और नाकामयाब रहे और इस समय वो बहुत संघर्ष कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें कि उनकी ज़िंदगी में एक बदलाव आए और परमेश्वर की आशीष को वे चखें। हम गगन आपके लिए भी इस समय प्रार्थना करेंगे। आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, शायद ये साल बीता हुआ साल अच्छा नहीं गया और आप अगले साल में विश्वास के साथ प्रवेश करना चाहते हैं, परमेश्वर को जानना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष को चखना चाहते हैं, तो आप विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आइए, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तू प्रार्थना का जवाब देता है। आज तूने हमें याद दिलाया है कि प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है और उस विश्वास के साथ हम तेरे पास आते हैं। परमेश्वर, सुमित के लिए हम प्रार्थना करते हैं, गगन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इनकी परिस्थितियों को तू जानता है परमेश्वर, और हम मांगते हैं कि तू इनकी परिस्थिति में एक हल लेकर आएगा। ये देखेंगे कि परमेश्वर प्रार्थनाओं का जवाब देता है और ये अपनी ज़िंदगी में आशीष को चखेंगे। यीशु मसीह, हम तेरे नाम से मांगते हैं उन सब के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम मांगते हैं कि जैसे नए साल में ये प्रवेश करें, हम मांगते हैं परमेश्वर कि निराशापन को निकाल दे, टेक अवे एवरी डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्करेजमेंट इन जीसस नेम। और हमारी प्रार्थना है प्रभु कि विश्वास इनके अंदर तू डालेगा। हम मांगते हैं कि परमेश्वर, ये तेरे करीब आएंगे, तुझे जानेंगे और तेरे अनुसार अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। हमारी ये प्रार्थना है कि तू इन्हें आशीष देगा। मे दे बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, हम प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन। दोस्तों, विश्वास कीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा सब कुछ मुमकिन है।
हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर को और करीबी से जानें। जब आप परमेश्वर को और करीबी से जानेंगे तो आपके जीवन से सब डर और तकलीफ और दुख दूर हो जाएंगे। और ये हम कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर का वचन पढ़कर। तो आइए देखते हैं आज परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है। इसीलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगोगे, विश्वास करो, वो तुम्हें मिल गया है, वो तुम्हारा हो गया है। परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत और सामर्थ्य देता है ताकि हम निराश न हो पर आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, आज साल का पहला दिन है और हम चाहते हैं कि हम सब प्रार्थना के क्षेत्र में बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं प्रेयर सेंटर और देखते हैं कि प्रार्थना के द्वारा कई लोगों की जिंदगी में क्या हुआ। जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं और जीवन अंधकार से भर जाता है, उस समय ऐसे लोगों को उम्मीद की किरण दिखाता है सीबीएन प्रेयर सेंटर और पता चलता है प्रार्थना की सामर्थ्य का। एक रात उन्हें कॉल करी और उनसे शेयर किया, तो उन्होंने प्रार्थना करी मेरे साथ मिलकर और उन्होंने पूछा कि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है। तो मैंने उनसे अपने फादर की प्रॉब्लम डिस्कस करी और उनसे कहा कि मेरे फादर के लिए आप प्रेयर कीजिए। उसके बाद से मेरी ज़िंदगी जो है बदलने लगी, मेरे में एक नई उम्मीद, एक नई आशा उत्पन्न होने लगी। और उन्होंने उसी टाइम ऑन द स्पॉट प्रेयर करी और मुझे अश्योरेंस दिया कि आप अपना फेथ बरकरार रखें और आपके फादर ज़रूर घर वापस आएंगे। और उससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली कि गॉड इज़ विद अस। गॉड ने अपना काम करा, मेडिसिन ने अपना काम करा और धीरे धीरे उनकी हालत में दिन ब दिन सुधार आता गया। हमारे पास हमारे सीबीएन प्रेयर सेंटर में बहुत से कॉल आते हैं प्रार्थना के लिए। चंगाई के लिए लोग प्रार्थना कराते हैं, फाइनेंस से जो समस्या में गुजर रहे होते हैं ऐसे लोग प्रार्थना कराते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रिश्तों में दरार होती है, आपसी संबंध नहीं होते, ऐसे लोग प्रार्थना कराते हैं। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन में ये काम किया कि वास्तव में एक हो गए और परिवार हमारा एक हुआ और वापस हमारा घर जुड़ गया। जब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचता तब वो हमें एक ही बात बोलते कि हम मर जाएंगे, हम अपने आप को समाप्त कर लेंगे। परंतु हमें मौका मिलता है उनकी ज़िंदगी में जाने के लिए और हमें उनकी बातों को सुनकर के बड़ा दुख होता है। और दुखों में परमेश्वर में वो सामर्थ्य देता है जो महसूस करते हैं, हम उनसे बातें करते हैं और उन बातों के द्वारा परमेश्वर उनकी ज़िंदगी को बदलता है। सबसे बड़ी बात है कि जिनको वो जानते तक नहीं है उनके लिए वो शिद्दत से प्रेयर करते हैं और वो दुआएं सुनी जाती हैं उनकी। अभी आपने देखा कि जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और जब हमारे प्रेयर सेंटर्स में आपके लिए प्रार्थना की जाती है तो परमेश्वर की मदद से कई लोगों का जीवन बदल रहा है। आज के प्रोग्राम में हम डॉक्टर पॉल दिनाकरन से मिले और हमने इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर के बारे में जाना। हमने देखा किस तरह सीबीएन फाउंडेशन और उनके पार्टनर्स की मदद से एक छोटे लड़के का जीवन बेहतर हो गया। हमने ये भी देखा कि किस तरह प्रेयर सेंटर में जब प्रार्थना की जाती है तो किस तरह परमेश्वर की मदद से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हम आशा करते हैं कि आप भी प्रार्थना करते रहेंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे और परमेश्वर की मदद को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि एक नई जिंदगी के हर एक एपिसोड से आप प्रेरणा पाते हैं। कल भी हम और प्रेरणा भरी कहानियों के साथ आपके पास आएंगे। कल मंगलवार है और कल हम आपको एक खास इवेंट पर भी ले चलेंगे, तो कल का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। अब हमारे जाने का समय आ गया है, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई जिंदगी के एक नए एपिसोड के साथ। अब हमारा कल का प्रोग्राम देखना मिस मत करिएगा। और जाते जाते हम चाहेंगे कि आप इस मधुर संगीत को सुने, इसका आनंद लें और इसके द्वारा भी परमेश्वर के करीब आएं। नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार एंड हैप्पी न्यू ईयर।